की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं पहली खबर। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही भाजपा का चुनावी प्रचार भी शुरू हो गया है। महाकाल की नगरी उज्जैन में भाजपा ने विजय संकल्प सभा का चुनाव प्रचार कर संकनाद किया। नागदा में हुई विजय संकल्प सभा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह सहित पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी बीजेपी नेताओं ने सूबे की कमलनाथ सरकार और कांग्रेस की नीतियों पर जमकर निशाना साधा और लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने की बात भी कही। करके दिखाया है कि पूरे प्रदेश में विजय संकल्प सभाएं हम करेंगे और उसके लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, मैं स्वयं, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव जी सहित समय समय पर पार्टी के सभी नेता इनमें शामिल होंगे। और आज से विधिवत इसका आगाज भी मंदसौर लोकसभा से हमने किया। जिस तरह का वातावरण हमको देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि देश प्रदेश की जनता ने मानस बना लिया है कि दूसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बनना चाहिए।